सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकर श्री बलिदान भोल सांचे दरबार के जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड शङ्खचक्रगदाशानं गृहीतं परमायुधे
तस्मिन् वैष्णवे रूपे नारायणे नमोऽस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दष्टो दिवसुन्दरे वराहलोकलेशवे नारायणे नमोऽस्तुते। नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुर्दैत्याङ्गोत्तमे त्रैलोक्यताशैले नारायणे नमोऽस्तुते। किरीचने महावज्रे सहस्रणेनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणे नमोऽस्तुते। शिवज्योतिस्वरूपेण हतनेत्र महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमोऽस्तुते। दर्शाकलाजवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणे नमोऽस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये शत्रे पुष्णीसुधे शुभे महारात्रि महाविद्ये नारायणे नमोऽस्तुते। मेधे सरस्वति बले भूतिभाप्रभिधामदे नियते सम्प्रसीदेशे नारायणे नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्वाहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। एतत्ते वरणं सौम्यलोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वमेतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते। ज्वालाकरानमत्युग्रवशेषासुरशोधन त्रिशोलम्बनोमेतर्वचकाली नमोऽस्तुते। यदासीदस्य तेजासी स्वदेन पूर्यराजगत् सघण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुगानिव असुरासृगमसपङ्गचिदशलज्वलः शुभाय खड्ग भवतु चण्डिकेतं प्रदावय। रोगाशेषामानसकलानमेष्ट रक्षासि यत्र घ्रविशासनाघ यत्र नयोदस्य बलानि यत्र भावानलो यत्र तथापि मध्ये तत्रासि दातां परिपासि विश्व विश्वेश्वरीतां परिपासि विश्व विश्वात्मिकाधारयसीद् विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशयाये वैभक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालयमानभिद नित्यं यथा सुरमधरुणैव सत्यः पापानि सर्वजगता प्रथमं नयात् प्रणतानां देवे विश्वातिहारणे त्रैलोक्यवासिनामीठे लोकानामधाभव देव्यो वाच वरदाहं सरजनावरं जनमनशेषद कर्मणत्तं प्रयच्छामि जगदामवकारकं देवावोचः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याघ्नेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मदैलिभिलाषणम् देव्यो वाच वैवस्वयन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशति मे युगे शुम्भानि शुम्भस्य वाच्यमुद्भस्य ते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव तथा सौनाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यानेक्ष्यामि वैभ्रचिन्द्रासुधानवान्
सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकर्म, माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए
धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मां जगजननी ने मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। धन धाम समते स्कंदा कन्या जसो
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र
अथ दुर्गा अभद्र सक नमस्ते चरण्य शिव सलोकम्ते नमस्ते जगत्यापि केवेश्वरोपे नमस्ते जगवन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणे त्रयि दुर्गे नमस्ते Yeah.
क्षमा प्रार्थना अपराध सह जाने प्रयते हरण क्षमस्व मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय सेवा निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु भक्तजन साधक जन, माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस मां जगजननी
जगत माता के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए, हम भक्तों के कष्टों को, हम भक्तों के दुखों को दूर कर करके आप सब ओर से हम भक्तों की रक्षा करें, हमारे भय को दूर करें और सब ओर से भक्तों का कल्याण करें। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनो करो रूपम देहे जयम देहे जशो देहे दिशो जहि। माँ भगवती आप अपने भक्त जनों को विद्वान यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जे माँ भगवती जिन पर कृपा कर देती है, जिन भक्तों को इस माँ भगवती आदि शक्ति महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उन भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है और वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जो है वह विजय प्राप्त करते हैं और देवी की कृपा से माँ का आशीर्वाद से जो है वह साधक जन जो है ज्ञान को प्राप्त होते हैं, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह लक्ष्मीवान होते हैं, उनके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। यशस्वी जो भगवती जी है उन भक्तों को यश देती हैं, उनका यश जो है उनकी कीर्ति संसार में अटल बनी रहती है। इसलिए जो भी भक्तजन ये देवी की शरणागत होकर के माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ की अर्चना माँ की पूजा करते हैं, ये देवी की उन पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से वह भक्तजन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। जीवन में जब कोई कहीं क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए तो कहते हैं शास्त्र में कहे हैं वो देवी को दादी सती का जो है माँ भगवती का स्मरण कीजिए, उसका ध्यान कीजिए। कहीं कोई गलती हो गई है, कोई अपराध हो गया है, सायंकाल घर आते हैं और विचार करते हैं हमसे जहाँ पर अपराध हुआ है, जहाँ पर हमने क्रोध किया है, जहाँ पर हमने किसी को भला बुरा कह दिया है तो प्रायश्चित करते माँ से प्रार्थना करें, माँ ऐसा क्यों हुआ, हमें क्रोध क्यों आया, तो माँ के नाम का जप करें, माँ से प्रार्थना करें और धीरे धीरे जैसे आप भक्ति करेंगे, माँ की भक्ति करेंगे, आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे जो है इन विषयों पर जो है आप जो है क्रोध पर, काम पर, लोभ पर, मोह पर आपके विजय प्राप्त करेंगी और फिर आपका जीवन जो है शांतिमय, सुखमय, कल्याणमय हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं आत्मशांति। जो तो व्यक्ति इसको आत्मशांति प्राप्त है, जो तो कभी क्रोध करता नहीं, कभी लोभ करता नहीं, बिल्कुल शांत रहता है। कभी किसी का कोई दोष भी होगा, उन दोषों को भी देख करके उन दोषों में भी वह गुण ही देखता है, कभी उन पर क्रोध नहीं करता है। कभी कोई दोषी व्यक्ति या कोई गलत करता भी है तो भी जो है उसमें भी उन दोषों में भी वह गुण को देखता है और कभी वह क्रोध नहीं करता। इस नर में आपका दृष्टांत दे रहा हूं मैं। कहते हैं कि एक बार एक आश्रम में संत महाराज आते थे, उनके एक शिष्य थे। संतों का स्वभाव जो वास्तव में बड़ा ही सरल होता है, किसी के दोष तो वे देखते नहीं, उन्हें तो दोषों में भी गुण जो है वे दिखाई देते हैं। संत महाराज आश्रम रहते थे, उनका एक शिष्य था। एक दिन दोनों जो है साथ साथ जो है आश्रम से चले और चलते चलते एक नगर में जा पहुंचे। वहां नगर के बाहर ही एक देवस्थान था। वहां देवस्थान के बाहर ही चबूतरे पर जो है दोनों संत जो है गुरु और शिष्य जो है वहां पर बैठ गए। गुरु ने शिष्य से कहा कि प्रातःकाल की वेले है, संध्या का समय है तो संध्या करो, भगवान की साधना करो, मंत्र जप करो। तो वहां दोनों बैठ करके
वह संध्या करने लगे। संत थे और ये महीना माघ महीना चल रहा था, माघ महीना पूजा का इसमें बड़ा विशेष महत्व लगे है। नर नारी सभी जो हैं, एक तो इस महीने में स्नान का महत्व है, देव आराधना का जप का पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। प्रातः काल की वेला है, लोग जो हैं मंत्र देवालयों में वहां पूजा करने के लिए अर्चना करने के लिए जा रहे थे। पूजा अर्चना की, कुछ महिलाएं पूजा करके मंदिर से बाहर तो देखा संत बैठे। संतों को देख करके उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि संत दर्शन हुए। विचार आया कि संत हैं, संत तो भगवान का ही रूप होते हैं, भगवान की ही मूर्ति होती हैं, इनका पूजन करना चाहिए। तो सब महिलाएं जो थी बहें, अब थाली तो उनकी पूजा की थाली उनके पास थी, उसमें रेली कुंकम जो है बस सब जो रोली और कुंकम गंध अक्ष पुष्प सब जो है थाली में पड़ा हुआ था। अब जो है एक ने पूजन किया तो दूसरे भी देख करके, तो रोली का तिलक लगा रहे हैं और इस प्रकार से गंध पुष्प जो है वह चढ़ा रहे हैं उस पर जो है। जो करते करते सब जो है तिल लगाते हुए तिलक तो जो है उनके मुख पर भी आ गया, और जहां जिसको लगा तो इस प्रकार से ये सब देख करके शिष्य को बड़ा क्रोध हुआ, ये कैसे गुरु महाराज जी को, कोई तो माथे पे तिलक करता है, कोई नाक पे कर रहा है, कोई कान पे कर रहा है, जिसको जहां जगह मिलती है वहां पर, लेकिन गुरु महाराज जी शांत है, कोई क्रोध नहीं, शांत है। शिष्य को क्रोध हुआ तो उन्होंने उन महिलाओं को जो है डांटा, जी क्या करती हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब गुरु महाराज ने कहा कि चुप रहो, आपको बोलना नहीं चाहिए। गुरु शिष्य कहते हैं कि आपको बोलना नहीं चाहिए। अब महिलाएं जो है उन्होंने तिलक पूजन सब किया, संत महाराज को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, चल पड़े। जब चलेंगे तो शिष्य महाराज कहने, गुरुदेव जी महिलाएं जो इस प्रकार से आपका पूजन, सारा मुंह जो है आपका जो है जी रोली से जो है कुमकुम से जो है जो भर दिया, आप तो प्रतिदिन जो है मस्त पर भसन लगाते हैं और आज रोली पर आप कैसे प्रसन्न हो गए, इस प्रकार सारा जो है आपकी जो मुख की तो दुर्दशा कर दी उन्होंने, पूरे मुख पर जो लाल ही लाल कर दिया, तो जो है जब मैं मना करने लगा तो आपने मुझे ही चुप करवा दिया कि आप चुप बैठो। गुरु महाराज जी कहने लगे, बेटा मैंने इसलिए कहा आपको कि संध्या में बोला नहीं जाता, चुप रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, भगवान का स्मरण भगवान का ध्यान करना चाहिए। जे महिला जो है जे संतों को जो है जे भगवान की मूर्ति मानती है, इनकी श्रद्धा इनकी आस्था है, और संतों को जो है उनमें जो भगवान के स्वरूप देखती है भगवान की मूर्ति मानती है, और मूर्ति जो होती है मूर्ति बोलती नहीं। शिष्य को बतला रहे हैं गुरु महाराज जी मूर्ति तो बोलती नहीं, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप चुप रहो बोलो मत। और मूर्ति का जब पूजन किया जाता है, बहुत सारे लोग जब पूजन करते हैं भीड़ होती है तो जिसको जहां स्थान मिलता है चाहे वह कान पर तिलक लगा दिया चाहे सिर पर लगा दिया चाहे मुख पर लगा दिया, तो इस प्रकार से आप गंध पुष्प डाल दिए तो इस प्रकार से मूर्ति तो बोलती नहीं। अब भक्तों की एक श्रद्धा है आस्था है, तो इसलिए इन महिलाओं की जो है ये आस्था थी, इसलिए ये मूर्ति तो बोलती नहीं, तो मैंने आपको मना किया कि बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। उन्होंने पूजन किया, वह प्रसन्न हुई, ये तो उनकी कृपा है। ये सर्दी का मौसम, तिल किया, चावल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, जल नहीं चढ़ाया, ये उनकी कृपा है, जल चढ़ा देती है ठंडी में क्या होता, तो भी वो संत बिल्कुल शांत है, कोई क्रोध नहीं है। अब जो थोड़ी देर के बाद एक और पुरुष जो है वहां पर आया, और आकर के अब उसने क्या किया, आकर के वह भी देखा संत महाराज जी बैठे हुए हैं और संत जो है उन्हें देख करके उनके मन में ईश्वर ही संत जी हैं, इनका पूजन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो वह व्यक्ति जो है मानव जो था वह गया और जो है जाकर के जो है उसने उसके चरणों में
पहले चरणों में पांव के नीचे तले में तलवे पर जो है तिलक किया, फिर वही तिलक जो है संत महाराज जी के मस्तक पर किया, और जो देखकर शिष्य को बड़ा क्रोध हुआ, भाई ये तो उल्टा क्यों करता है कि पांव को पहले पांव के तलवे के नीचे आप तिलक करते हैं, फिर वही तिलक जो है मस्तक पर लगाते हैं, ये क्या करते हो? जब रोका तो गुरु महाराज फिर कहा कि चुप रहो, नहीं बोलना चाहिए। अब उसने भी पूजन किया और पूजन करके चला गया, प्रणाम करके आशीर्वाद लिया संत महाराज जी का। तब शिष्य फिर गुरु जी से पूछता, महाराज इसने तो उल्टा ही किया, चरणों में तिलक करता है पांव के नीचे और फिर वही तिलक जो है आपके मस्तक पर लगाते हैं, ये क्या उचित है? गुरु महाराज जी कहने लगे, देखो बेटा, चरणों की अधिष्ठात्री देवता जो है भगवान विष्णु है। आप देखते होंगे मां लक्ष्मी जो है हमेशा विष्णु के चरण बैठी चरण सेवा करती है। तो वे कहते हैं चरणों के अधिष्ठात्री देवता जो है भगवान विष्णु है, और भुजंग के जो है इंद्र देवता है, मस्तक के भगवान रुद्र, भगवान शिव। तो भगवान विष्णु का तिलक उसे लगा हुआ तिलक जो है, यदि उसी के द्वारा भगवान रुद्र का ही पूजन कर दिया तो इसमें गलत कहां होगा? कहीं गलत नहीं हुआ है। तो दोषों में भी वह गुण देखते हुए शिष्य को बतला रहे हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से बोलना नहीं चाहिए। जो वास्तव में अपने शिष्य को वे शिक्षा देना चाहते थे, इसी कारण से जो है वह आश्रम से निकल करके वहां पर पहुंचे थे। गुरु जो पहुंचे होते हैं वो इस प्रकार से शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं कि बातों बातों में ही उसको ऐसा ज्ञान दे जाते हैं, ऐसी आत्म शांति से मिल जाती है कि फिर कभी क्रोध होता ही नहीं। शिष्य क्रोधी था। अब जो है फिर जो है एक और व्यक्ति आ गया, वह भी पूजन करने लगा, बड़ा प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर ठहाका लगा कर हंसने लगा, संत महाराज के दर्शन हुए। और जो है किया क्या उसने भी, उसके पास भी पूजा की सामग्री थी, और वह भी क्या करते हैं, पहले ही तिलक जो है स्वयं किया, अपने आप को लगाया और फिर संत महाराज जी का पूजन किया, प्रणाम किया। और फिर कहते हैं ये क्या, पहले अपना पूजन करते हो फिर उसकी गुरु की पूजा करते हो, जो उल्टा क्यों करते हो? गुरु महाराज फिर कहते हैं कि जी अब मत बोलो, बस जो कर रहा ठीक कर रहा है। अब जो है उसने पूजन किया, वह भी चला गया। तब पूछते हैं शिष्य जो है, गुरु महाराज मैं जब बोलता हूँ आप कहते कि चुप रहो, ये सब उल्टा कर रहे हैं। आप जो है फिर कहते कि नहीं जी ठीक है, अब इसने तो पहले अपना पूजन किया, आपका पूजन करना चाहिए था। तो तब गुरु महाराज कहते हैं कि आपने अभी शास्त्रों का इतना अध्ययन किया नहीं, शास्त्र में कहा है देवो भूता देवम जयेत, देवता बनकर के देवता की पूजा। तो शास्त्र विहित कर्म है जी, पहले जो स्वयं जी आप स्नान करें, तिल करें और इस प्रकार तिल करके देव रूप हो जाइए, देव रूप होकर के फिर जो है देवता के सामने जाकर के उनका पूजन करें। तो ये शास्त्र विधि है, देवो होता देवो जय। इस प्रकार से अब जब गुरुदेव ने जब उसे समझाया कि इसमें कोई दोष नहीं, तो कहते हैं कि शिष्य जो था उस समय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते सिर रख दिया उनके चरणों में, महाराज कि धन्य है शिष्य जो है गुरु के चरणों में जो है गिर पड़ा और अपने सिर को उनके चरण में रख दिया और बोला, गुरुदेव आप धन्य हैं, आप किसी में भी जो है दोष देखते ही नहीं, दोष होते हुए दोष देखते नहीं है, और जो है आप जो है उनके दोषों में भी आप गुणों का ही दर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, जेनिए कोई व्यक्ति जो है दोषी है जब बुरा है तो उसमें कोई गुण नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है, और जो ऐसे संत लोग होते हैं वह दूसरों में जो है गुणों को ग्रहण करते हैं, और उन्होंने जो शिक्षा दी है कि हमेशा जो है जहां से मिले चाहे कोई बुरा व्यक्ति क्या हो, यदि उसके पास कोई गुण है उस गुण को ग्रहण करना चाहिए, जब छोटा है बड़ा है तो गुण ग्रहण करना चाहिए। तो कहते हैं आप तो दूसरों के दोषों में भी आप उन दोषों में भी दोषों में से भी आप गुणों को ग्रहण करते हैं, गुरुदेव धन्य हैं, संतगण और धन्य हैं उनकी जो सरलता, इसलिए संत सरलचित जगत है।
संत जो बड़े सरल होते हैं, हमेशा जगत के हित की, दूसरों के हित की बात करते हैं और हमेशा परोपकारी होते हैं। चाहे स्वयं जो कष्ट क्यों ना भोगना पड़े, पर दूसरों को भी हमेशा सुख देते हैं। इसलिए जीवन में जो मैं आपको बताना जी चाहता था कि जब भगवती की शरणागत होकर के हम जब भगवती की साधना करते, किसलिए पूजा करते हैं, आराधना करते हैं कि हमारी जो जीवन यात्रा सुखद बनी रहे, ईश्वर का कष्ट कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई विपत्ति ना आए, आत्म शांति आत्म सुख जो प्राप्त हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, धन की कमी नहीं है, परिवार भी है, धन भी है, न मकान की कमी है, किसी चीज की कमी है ही नहीं, परंतु तो कहते हैं महाराज शांति नहीं, आत्म शांति नहीं। यह आत्म शांति जो है इस देवी की कृपा से प्राप्त होती है। इसकी कृपा हो जाए, जो इस तरह से माँ के शरणागत होकर के माँ की साधना करते हैं, तो ही जो है इन विषयों पर साधक जो है विजय प्राप्त करते हैं। अशांति का कारण क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है। एकदम छोटी सी बात परिवार में हो जाएगी, व्यक्ति क्रोध आ जाएगा। जब क्रोध आया तो व्यक्ति अशांत हुआ, अशांत हुआ तो दिन भर जो है वह भोजन भी नहीं करेगा। परिवार कहे भोजन कर लीजिए, नहीं करना है, चाय पी लीजिए, नहीं पीनी, दिन भर जो ऐसे ही रहेगा। जब जब कोई खाएगा नहीं, पिएगा नहीं और क्रोध में रहेगा, तो उसके कारण से कई प्रकार की बीमारियां आना शुरू हो जाती है। जहाँ तो बीपी हाई हो जाएगा, कहीं शुगर की प्रॉब्लम या अन्य जो है कई प्रकार के रोग जो है ये रोगों का कारण है। इसलिए कहा है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है माँ से प्रार्थना की गई है, विद्यावंतम जसवंतम लक्ष्मीवंतम जनो करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जिहि, कि भगवती माँ आप अपने भक्तों को जो है विद्वान बनाइए, अर्थात उनको सद्ज्ञान सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान भवन बनाइए। जसवंतम जसस्वी वह संसार में यश को प्राप्त करें, लक्ष्मीवान हो, उन्हें आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध शत्रु का नाश करो। देवता भी इसी देवी की शरणागत होकर के माँ की आराधना करते हैं, माँ की कृपा होती है तो सब प्रकार के उनके कार्य जो ठीक प्रकार चलते हैं। जब माँ भी मुख हो जाती है तो देवताओं को भी क्रोध आता है और अहंकार आता है। जब अहंकार आता है, क्रोध होता है, तो देवताओं के साथ उनका युद्ध होता है, तब जो है वह वहां से पराजित हो जाते हैं, फिर माँ के शरणागत होते हैं। इसलिए ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है ये सब जो दुखों का कारण है, व्याधियों का कारण है, विनाश का कारण है। इसलिए जो व्यक्ति अपना उदय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, परिवार में सुख चाहते हैं, जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, आत्म शांति चाहते हैं, तो उन विषयों पर विजय प्राप्त करें। और करे कैसे? माँ की शरणागत होकर के, और प्रतिदिन जो है जब भी कहीं कोई गलत काम हो जाता है तो सायंकाल को आते ही विचार करें, दिन भर जो है अच्छे कार्य कितने हुए, बुरे कितने हुए, हमने क्रोध कहाँ कहाँ किया, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, नहीं करते तो क्या वह काम नहीं बनता, बन जाता। तो इसलिए क्रोध से तो काम बिगड़ते हैं, तो यदि क्रोध हुआ काम बिगड़ा तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। इसलिए उस समय मनन करें, विचार करें, माँ की जोश जगाएं, माँ से प्रार्थना करें, भगवती हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तो माँ की जिन पर कृपा होती है, जे माँ भगवती प्रसन्न होकर के उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे देती है, और जिन भक्तों को माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, उनका कभी कहीं अमंगल हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी बुद्धि सदा सर्वदा बिल्कुल ठीक निर्णय, अच्छे निर्णय करती, कोई गलत निर्णय नहीं करती। तब बड़े भाग्यशाली ही जब भक्तों की आरती की पवित्र वेला में, और विशेषतः इस समय गुप्त नवरात्र चले, माघ महीना है, माघ शुक्ल पक्ष या षष्ठी तिथि है, माँ भगवती नौ रूप जो है, उन नौ रूप में छठा रूप जो है माँ भगवती कात्यायनी भी कहे, कात्यायनी देवी आज के दिन जो है कात्यायनी देवी का स्मरण करते साधक जन जो है अपने मन को जो है जी आज्ञ चक्र में स्थित कर करके माँ कात्यायनी देवी की उपासना करते हैं, और कहते हैं कि माँ कात्यायनी की देवी की उपासना से जो है मनुष्य को जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति उन्हें होती है, अर्थात धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है। जो माँ धार्मिक बुद्धि देती है, धन लक्ष्य का वरदान देती है,
कामना को पूर्ण करती हैं और अंत में मोक्ष को दे देती हैं। इसलिए यह बड़ा ही उत्तम दिन है कि गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। गुप्त नवरात्र का छठा नवरात्र है और ये भगवती का दरबार जहाँ पर आकर के ये आरती का समय आरती की पवित्र वेला में बैठ करके माँ के चरण में बैठ करके आप भक्तों को पुण्य अर्जित करने का माँ की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जगजन्य आदि शक्ति की सदा सर्वदा आप भक्तों पूर्ण कृपा बनी रहे और माँ की कृपा से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तरोत्तरशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी ये आदि शक्ति महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वरदान दे, आपको आशीर्वाद दे और सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा श्री जयपाल जी से मां के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों संकीर्तन में सहयोग देना समिल का बोला ताली बजाते श्री जयपाल जी। कट दी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रही, कट दी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रही, कट दी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रही। मेरी बारी कान मैया को कभी चल गई, कट दी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रही, कट दी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रही, हां कट दी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रही, कट दी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रही। ताली सभी हाथ खोल कर लगे ढीले ताली में, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ समय पर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर से विचार करे, आपके झोलिए भरे, आपके मुरादे पूरे करे, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली से शेरों वाली मड़ी का तेरे ही दवारे, जिंदगी दो दिन कट गए ही दारे, शेरों वाली मड़ी का तेरे ही दवारे, जिंदगी दो दिन कट गए ही सहारे, शेरों वाली मड़ी का तेरे ही दवारे, जिंदगी दो दिन कट गए ही दारे। दुखा विच रुल रुल जिंद मेरी मुक गई, कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रे, कटदी हमेशा ही जो दस दे, मां कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रे, कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रे। जर जर बिच तेरी ज्योति दा नूर है, अभिमानी आप मेरी दाते में सिंदूर है, जर जर बिच तेरी ज्योति दा नूर है, अभिमानी आगे मेरी दाते में सिंदूर है, जर जर बिच तेरी ज्योति दा नूर है, अभिमानी आंख मेरी दाती में सिंदूर है, जर जर बिच तेरी ज्योति दा नूर है, अभिमानी आंख मेरी दाती में सिंदूर है। गर्दन जगत दी ही तेरे द्वारे चुक गई, कट दी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रे, कट दी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रे, कट दी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रे, कट दी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रे। देवतियां किस जद मिल के पुकार सी, सुन के पुकार दोनों ने दया बतार सी, देवतियां किस जद मिल के पुकार सी, सुन के पुकार दोनों ने दया बतार सी, देवतियां किस जद मिल के पुकार सी, सुन के पुकार दोनों ने दया बतार सी, देवतियां किस जद मिल के पुकार सी, सुन के पुकार दोनों ने दया बतार सी, मेरे उत्ते दया करनी क्यों मैया उत गई, कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रे, कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रे, कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रे, कटदी हमेशा ही जो दस दे तो दुख रे। खोल के की हाल दस जग दे जालदा, मावा बिना पुत्रा नु कोई ना संभालदा, खोल के की हाल दस जग दे जालदा, मावा बिना पुत्रा नु कोई ना संभालदा, खोल के की हाल दस जग दे जालदा, मावा बिना पुत्रा नु कोई ना संभालदा, खोल के की हाल दस जग दे जालदा, मावा बिना पुत्रा नु कोई ना
इस प्यारी चितवन को मैया जी हम भी देखेंगे। निपट कर पावन चरणों से मैया जी हम भी देखेंगे। निपट कर पावन चरणों से मैया जी हम भी देखेंगे। हाल निपट कर पावन चरणों से मैया जी हम भी देखेंगे। निपट कर पावन चरणों से मैया जी हम भी देखेंगे। छिपी जो दिल में है बातें लग गया
तो शर्मामी ना और किसे दे अग्गे सिर झुकावे अपना जाल बिछाए तू बस जामीना और किसे दे सिर झुकामीना मात मंगल लगिया तू शर्मामीना और किसे दे अग्गे सिर झुकामीना मात मंगल लगिया तू शर्मामीना और किसे दे सिर झुकामीना मात मंगल लगिया तो शर्मामीना और किसे दे दुनिया की बाली
वाली है ओ जुजाबर दुनिया की वाली है। आप भक्त जनों को संकल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में विशेषतया इन गुप्त नवरात्र के अवसर पर आज छठे नवरात्र की शुभ पवित्र वेला पर जो है आप भक्तों को
माँ भगवती के दरबार में माँ की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आज मंगल संतते भवने भव श्रीमंड सस्वे भव प्रज्ञा भवने भव भूर्भुवन करणे धाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भ धरणे व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पुनर्दय सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रेणाम देश शरीर वर्चस्व आज समारोध्यमाविदा शुभमानम हियति धनम धन्य पशु भूपुत्र लाभ सस्मसन दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख सिद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आपसे भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सब मिलकर वाला ताली बजाते हुए ओम जय Thank you.
सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 जय देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि यशो देहि, यशो देहि यशो
मुण्डाय विचरेह ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु दुःखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन मा कश्चन दुःखभाग्भवे शान्तिः 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 अशान्त देखे सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, द्वितीय आर्य गणेश, द्वितीय निमरान शारदा, कार्य करो हमेश आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण महान पर जो सज घड़ी जो चरणा का ज्ञान thank you.
ठंडी खत्म नहीं होगी जय दिल्ली दिल्ली रहे। सभी ने आरती का आनंद लिया, पीछे वालों के सिर्फ ठंडी का आनंद लिया। थोड़ी देर की बात है, सब श्राइन बोर्ड आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तप पर बैठा हुआ है ताकि आपको किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। थोड़ी देर के बाद आपको जहां सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन तब तक अपने
जयकारे से ही एक गर्मी लाई है अपने अंदर जी। जो आपके पास है वो सच्चे दरबार की जय। देखिए जो आपके पास है उसको हम यूज करते हैं, अपनी आवाज मां तक पहुंचाते हैं। आप अपनी आवाज ऐसे मां के साथ सेट कीजिए कि जब आप आज यहां जब अपने घर से जय मां की बोलोगे तो आपकी हाजिरी यहां आज अपने लिए और आप अपने परिवार और कुटुंब के लिए जहां पर माथा टेकने के लिए आए हैं, मां से झोली भरवाने आए हैं, तो अपने घर वालों तक भी तो अपनी आवाज पहुंचाइए। शायद उनको पूछेंगे हां आपकी आवाज आई। आपकी आवाज पहुंचने से पहले मां का आशीर्वाद पहुंचे। आरती के समय हमारे पूरे देश में विदेश में जय मां का जयकारा ऐसे गूंजे कि जितनी भी बुरी शक्तियां हैं वो दूर भागे और आपके घर में आपके आंगन में आनंद ही आनंद हो। पूरे जोर के साथ मिलके सभी बोलेंगे बोलो सच्चे भाई जय। शुरू करना पड़ता फिर बोलो सच्चे भाई जय। बोलो सच्चे भाई जय। आशीर्वाद जय माता दी।